आपको ये जो चैनल फिनाओ एच पे IDFC फर्स्ट बैंक का जैसे IDFC के साथ जो है एक मर्जर का अपडेट आया है, उसी के बाद जो है स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ हम लोग को देखने को मिला है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में। वही बात करते हैं IDFC लिमिटेड, उसके भी शेयर में थोड़ा बहुत तेजी बनाया था। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो है बहुत जल्दी Q1 का रिजल्ट आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करते वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो एच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों एक दिन के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में आप देख सकते हैं जहाँ पे लगभग बोल सकते हैं कि 1% के आसपास जो गिरावट बनता हुआ दिखा है। वही बात करते हैं यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 3.1% का रिटर्न दिया है, तेजी बनाया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक महीने के अंदर जो है कुछ खास तेजी वगैरह देखने को नहीं मिला IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में। अभी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर कहा जा रहा है। ड्यूरेबिलिटी 85 आउट ऑफ 100, वैल्यूएशन 54.80 आउट ऑफ 100 एंड मोमेंटम जो 61.90 आउट ऑफ 100। फिलहाल यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक का बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है उसको लेके यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का 30 जुलाई के आसपास जो है 29 जुलाई शायद से इसका जो है Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो रिजल्ट आएगा Q1 का, एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट IDFC फर्स्ट बैंक पोस्ट कर सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट पोस्ट कर सकता है जो Q1 का 2024 का है। अभी यहाँ पे इसके पहले का जो रिजल्ट आया था, यहाँ पे कंसोलिडेटेड हम लोग देखते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 45.3% का जंप देखने को मिला था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं 28.5% हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 87.8% हुआ था। EBITDA की बात करते हैं 66.6% हुआ था। एंड वही बात करते हैं दोस्तों जो नेट प्रॉफिट है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट जो IDFC फर्स्ट बैंक का 131.6% हुआ था। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट IDFC फर्स्ट बैंक ने पोस्ट किया था जो इसका कि इसके पहले का क्वार्टर था। और वही बात करते हैं दोस्तों टेक्निकली जो है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, तो टेक्निकली जो है फिलहाल अभी एक बुलिश लेवल बना रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे हैं कि भाई जो शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक का ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। वही बात करते हैं MACD इंडिकेटर जो है वो कह रहा है कि IDFC फर्स्ट बैंक का जो शेयर है अभी फिलहाल जो है न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है, न्यूट्रल लेवल पे है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का एक दिन के अंदर शेयर के प्राइस में जो लो प्राइस बनाया है वो है 81.25 पैसे का, और जो हाई प्राइस दिया है 82.70 पैसे का। एंड यहाँ पे देख सकते हैं मतलब जो इसका एक हफ्ते के अंदर लो प्राइस है 79.50 पैसे का दिया है और जो हाई प्राइस बना है 84.40 पैसे का। एक महीने के अंदर 75.55 पैसे का लो प्राइस दिया, हाई प्राइस बना 84.50 पैसे का। तो स्टॉक जो है IDFC फर्स्ट बैंक का, मतलब जैसे कि इसका मर्जर का अपडेट आया था उसके बाद ही जो है स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी बनता हुआ दिखा था, जहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का जो मर्ज होने का अपडेट आया था। तो यहाँ पे जो है BSE और NSE मिला के एक दिन का एवरेज देखते हैं तो वह है 22 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 37.1% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 8.1 मिलियन का। एक हफ्ते के अंदर 39.1 मिलियन का BSNS में लेकर एवरेज देखने को मिल रहा है। 35.3% का डिलीवरी परसेंटेज है एंड डिलीवरी वॉल्यूम जो है 13.8 मिलियन का है। एक महीने के अंदर 53.5 मिलियन का BSNS में लेकर एवरेज देखने को मिल रहा है। डिलीवरी परसेंटेज 34.2% का है, डिलीवरी वॉल्यूम 18.3 मिलियन का है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक का, जहाँ पे प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास 39.99% का स्टेक है। FIS के पास देख सकते हैं 19.33% का स्टेक था और FIS ने जो है स्टेक यहाँ पे तरह घटा दिया है, 19.31% का कर दिया है। एंड जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास 2.65% का स्टेक था, म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे बढ़ा दिया है, 2.72% का स्टेक कर दिया है। अदर इंस्टीट्यूशन के पास 8.96% का स्टेक था, अदर इंस्टीट्यूशन ने जो है स्टेक यहाँ पे बढ़ा मतलब उतना स्टेक है, माफी जो उतना स्टेक है 8.96% का स्टेक है। पब्लिक के पास 29.08% का स्टेक था, पब्लिक ने स्टेक यहाँ पे घटा दिया है, 29.04% का स्टेक कर दिया है। तो प्रोमोटर्स के पास उतना ही स्टेक है, FIS ने स्टेक यहाँ पर घटा दिया है, म्यूचुअल फंड के पास अगर मतलब यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड के पास जो है स्टेक थोड़ा बढ़ा दिया है म्यूचुअल फंड ने। एंड जो बोल सकते कि जो अदर इंस्टीट्यूशंस है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास उतना ही स्टेक है एंड पब्लिक ने थोड़ा स्टेक यहाँ पर घटा दिया है। तो फिलहाल दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का बोल सकते कि स्टॉक में जो एक तेज़ी बनता हुआ दिखा है, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड ने जो है यहाँ पे स्टेक बढ़ाने के लिए
बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक जो है दिया भी है। और उसके बाद अगर देखते हैं कि IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में एक तेज़ी बना, अभी यहाँ पे अगर देखते हैं IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो ज़्यादा कुछ डिविडेंड वगैरह नहीं देता, IDFC फर्स्ट बैंक और सिर्फ डिविडेंड नहीं देता है, दिया जाता है जो भी शेयर होल्डर्स उनको डिविडेंड नहीं देखने को मिलता है, लेकिन IDFC लिमिटेड एक ज़बरदस्त डिविडेंड जो है अपने इन्वेस्टर्स को देता है, जो भी शेयर होल्डर्स उनको एक अच्छा खासा डिविडेंड IDFC लिमिटेड कोर्स से मिल जाता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड ये दोनों का जो मर्जर का अपडेट आया था जहाँ पे दोनों जो है मर्ज होगा, उसके बाद जो है मार्केट में एक ज़बरदस्त जो है तेज़ी भी बनता हुआ दिखा था, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में, IDFC लिमिटेड के शेयर में भी। और क्योंकि ये दोनों अगर मर्ज होगा तो उसके बाद हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जो है बैंक बने IDFC फर्स्ट बैंक, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक अगर देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत ही बढ़िया बैंक है। शेयर का प्राइस अभी भी कुछ खास यहाँ पे और दे, अभी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 23.0% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे इंक्रीज किया गया है 3.61% ओवर लास्ट क्वार्टर, जो है यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज बाई 3.61% ओवर लास्ट क्वार्टर। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो है रिपोर्टेड रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, जो एक बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, जहाँ पे बोल सकते हैं द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स। तो IDFC फर्स्ट बैंक अगर आप प्रॉफिट देखते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट IDFC फर्स्ट बैंक ये करता है, मतलब जो है पोस्ट करता है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड नहीं दिया जाता है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के जो भी शेयर होल्डर्स है उसको कुछ डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाता है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.40% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, एंड लाइबिलिटीज आप IDFC फर्स्ट बैंक का देख सकते हैं, अर्निंग्स जो है इंक्लूड एंड अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹4,467 करोड़। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक का, मतलब बैंकिंग सेक्टर में अगर देखते हैं तो बहुत सारे बैंक्स हैं, IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर हमें लगता है कि अभी 81 के आसपास चल रहा है। कोई अगर इस स्टॉक में खरीदारी करता है, जैसे कि स्टॉक का प्राइस जो है मर्जर के अपडेट के बाद ही एक ज़बरदस्त तेज़ी बना है, तो हो सकता है कि आगे भी तेज़ी बने, जैसे ही दोनों कंपनी का IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC लिमिटेड का मर्जर कंप्लीट हो, उसके बाद इस स्टॉक में जो है और भी ज़्यादा तेज़ी बन सकता है। इसका मतलब जो बोल सकते हैं कि जो रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं रेवेन्यू जो है इसके पहले जो क्वार्टर है उसमें एक ज़बरदस्त ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिला था। एंड वही बात करते हैं जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला था, जो कि 2,626 करोड़ से बढ़ के 2,827 करोड़ हो चुका था। एंड एक्सपेंसिस की बात करते हैं 3,612 करोड़ से बढ़ के 3,901 करोड़ हो चुका था, तो एक्सपेंसिस थोड़ा बढ़ गया था। एंड यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पे 827 करोड़ से 1,094 करोड़ हो चुका था। एंड वही बात करते हैं जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 617 करोड़ से बढ़ के 816 करोड़ हो चुका था। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक, एक चीज़ आप देख सकते हैं जहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट IDFC फर्स्ट बैंक पोस्ट करता है, और अभी जैसे कि इसका Q1 के रिजल्ट जो है 29 जुलाई को ये लोग पोस्ट करने वाला है, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट भी एक ज़बरदस्त यहाँ पे पोस्ट करे और उसके बाद स्टॉक पे तेज़ी बन सकता है। आपको क्या लगता है IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर, IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर को लेकर, ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइए। मानना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, आपको जो IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, अगर अपना अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।